की है वो अक्षी ग्राउंड। भाई साहब चढ़ के देख लो कि साहब हमारे ट्रक में नहीं बैठना। अभी मिला हमें ट्रक। तो जय हिंद दोस्तों, डे फोर अपना। हमने ये वाला एरिया टॉप था सारा, ये देखने आए थे हम, मंगनाड़ इसी को बोलते हैं, मंगनाड़ गली, ये देख लिए हमने। उस साइड कश्मीर है, इस साइड जम्मू प्रोविंस, उस साइड कश्मीर प्रोविंस, और अब हमने डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया। तो टारगेट है आज 2 बजे तक रोड पे पहुंचना, जो हमें आने को 2 दिन लगे थे वो हमने आज 4 घंटे में करना है। तो ये टारगेट है, देखते हैं कितना हो पाएगा कितना नहीं। और ऐसा है कुछ नज़ारा, इस तरफ जाना है सीधा नीचे को इसी वैली की तरफ से, ये सारी बर्फ़ की क्या बोलते हैं मानियाँ क्रॉस करके मानी है। ठीक है, जय हिंद। गाइस फाइनली डाउन ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, और हाँ 10:30 यार। तो सुबह 8 बजे निकले थे, 2.5 घंटे में हम ऊपर से होकर वापस नीचे बैग पैक करके बर्तन साफ कर निकल चुके हैं। ठीक है, मैंने फिर से पहन ली शर्ट बिकॉज ऑफ टैनिंग, एंड हम निकल चुके हैं। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, टारगेट तो है हमारा आज रोड टच करने का, फिर भी आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गाइस ये वापस से पहुंच चुके हैं सबसे बड़ी मानी के पास, मानी मतलब अवलांच समझ लो। इसमें रिस्क ये होता है कि कल तो हमें पता नहीं था, पर आज हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि ये जो है इसके ऊपर से जल्दी जल्दी क्रॉस होना होता है, क्योंकि ये कई बार जहाँ से नाजुक होती है ना, तो अगर आप पैर डालोगे तो टूट जाती है। और ये कितनी मतलब कितनी बर्फ़ होती है इकट्ठी, किसी को पता नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बंदा जो है बीच धंस जाता है और निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, तो ये सीन होता है। इसलिए हमने थोड़ा डाउन ट्रैक किया और हम उस जगह से क्रॉस हो रहे हैं जहाँ पे ये नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है वो मानी, कल हम ऊपर से क्रॉस हुए थे वहाँ पर बहुत वाइड था ये, तो अभी यहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से ये पत्थर हैं पूरे सूख चुकी है, पर ठीक है सही है। तो गाइस ये जा रहा है एक डेरा ऊपर को जहाँ से हम आए, ये है नोमैडिक पीपल, असली में नोमैडिक, ये यहाँ से अपना डेरा लेकर जाते हैं और अपना बरसात का सीज़न ऊपर काट कर जब सर्दी स्टार्ट होती है वापस नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे रास्ता सिंगल था तो इनको साइड दे रहे थे हम। ये देखो अजय सिंह हमारे घोड़े पे, तो यही है वो लास्ट पॉइंट जहाँ पे नेटवर्क आता था, कल यहीं से बात हुई थी और आज वापस यहीं पे आके बात होगी, क्योंकि अभी तक घर वालों को ये नहीं पता कि हम हैं भी या नहीं, कश्मीर तो नहीं टप गए, क्या सीन है। अब यहाँ पे पहुँच के अपडेट देंगे जहाँ पे वो लड़के पहुँचे सामने उस जगह पे, वहाँ पे आता है नेटवर्क। ठीक है, तो चलते हैं, चलें।
गाइस जय हिंद। जाते समय हमने यहाँ से लगाया था 2.5-3 घंटे और आते समय हम आए 1 घंटे में, तो भाई अच्छी रफ्तार थी। और इस जगह का नाम है पथरी, यहाँ से ऊपर होता है मंगनार की चढ़ाई स्टार्ट, जहाँ हमको जाना था, और यहाँ पे आता लास्ट नेटवर्क। और वापस अभी आके यहाँ पे हमने घर पे बात की यहाँ आकर, और ऐसे में पीछे कुछ नज़ारा इन पहाड़ों के लेवल तक गए थे हम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे, आज देखते हैं घर पहुँच पाएंगे या नहीं, टारगेट तो आया है हमारा। गाइस नाला कर लिया हमने क्रॉस, अभी ठंडा पानी था, पर जहाँ से कल किया था उससे बेटर था आज ये जगह, क्योंकि कल हमारे अंडरवेयर्स तक पानी टच हो गया था, पर आज नहीं हुआ, तो मतलब घुटनों से थोड़ा ऊपर था, हाइज तक था पानी आज। हाँ, ये देखो जहाँ से हम आए वहाँ को जा रहे हैं डेरे, ये है गुजर अग्रवाल के डेरे जा रहे हैं ऊपर को जहाँ से हम आए। ये देखो ऐसे ऐसे रास्ते से उतरना पड़ रहा है, इधर से रास्ता ख़राब था, पर हम थोड़ा ऊपर चढ़े, हमने सोचा जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और उस साइड से उतर जाएंगे, पर उतरने के लिए इतनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी उतरना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो चलिए मैं अभी चलता हूँ कैमरा बंद करके। ये हमारे रजत भाई ये बना रहे हैं हमारे लिए सोटा, जिसको बोलते हैं डंडा, और ये ट्रेडिशनल लकड़ी है जिससे डंडा बनाते हैं, मतलब फेमस लकड़ी है, इसी से डंडा बनता है, और जो माल मवेशियों के साथ जाते हैं उनको उनके वो स्पेशलिस्ट इसका बनाते हैं। और ऐसा है कुछ नज़ारा, पहुँचने वाले हैं हम अक्षी ग्राउंड द फेमस, एंड ऐसा सीन है, दिन के बज चुके हैं, ऑन टाइम 2 से प्लस हो गया है, नहीं यार टाइम हो चुका है 2:12, तो ठीक है, मतलब 2 टारगेट रखा था हमने 1 का, तो ठीक आए हम। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द फेमस अक्षी क्रिकेट ग्राउंड, यू कैन सी द मैच इज गोइंग ऑन हियर। बढ़िया सा ये ग्राउंड है, खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, ये है वो अक्षी ग्राउंड। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली अक्षी ग्राउंड के बीचों बीच, और ऐसा है कुछ नज़ारा, यहाँ चल रहा है मैच, मौसम भी बादल आ चुके हैं, धूप भी नहीं रही है, बस अब यहाँ से आधा घंटा है रोड सड़क पे, और आज हम सड़क पे पहुँच ही जाएंगे मस्त, और आज घर पहुँच ही जाएंगे फाइनली। तो बड़ी दूर से आए भाई, यहाँ से क्या दिखाऊँ। तो दोस्तों फाइनली हमें रोड दिख रही है आज करीब 25 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, और ये ऊपर बादल वाले पहाड़ दिख रहे हैं आपको, कुछ इन्हीं के लेवल से आए हैं हम, मतलब इनके मैं दिखाता हूँ ये एरिया, इसके पीछे से इसके इस वाली साइड से आए हम, तो कुछ ऐसा नज़ारा है, रोड दिख रही है और ऐसा सीन है। ये सामने गुलाबगढ़ देख रहे हो आप, इस तरफ हमको जाना है, और ये वादियाँ। जय हिंद गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड में। तो रजत कैसा लग रहा है आपको? कुछ भी बोलने के लायक नहीं, बट ऐसा फील हो रहा है कि आप घर पहुँच गए, अपने एरिया में आ गए, अब घर पहुँच रहे हैं, वो फील हो गया, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन बहुत थकावट बहुत हुई है। थकावट की तो बात ही मत करो भाई, ये इधर धुंधला क्यों दिख रहा है? ऐसे साफ, ये आप घर जाके साफ दिखेगा। हाँ पीछे वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉग धुंध ऊपर पहाड़ों पे। तो हमारे पीछे ये है लार, ये है लार का गांव, हम पूरा ये क्रॉस करके आए हैं ऐसे, और अभी ऐसे जा रहे हैं, गाड़ी का भी तो कोई प्रबंध नहीं है, तो 1-1.5 घंटा हो गया हमको चलते चलते भाई, आज करीब 25 से तो प्लस हो गया, 25 किलोमीटर से, यही कोई 4 दिन में हमने चला है, 20 रखो एवरेज, और 80-90 किलोमीटर चल चुके हैं हम 4 दिन में, वो भी कभी चढ़ाई कभी ढलान, कभी चढ़ाई कभी ढलान, यही चलता रहा। ठीक है गाइस, फाइनली हमको मिल चुकी है एक पिकअप के बैठे हैं पीछे, और ये भी एक
बढ़िया पार्ट है एडवेंचर का, ये भी एक काइंड ऑफ एडवेंचर ही है भाई। ये हमने सामान डाला और भाई देख लो इस रोड में कौन सी गाड़ी जा रही है। ऐसा पहाड़ देख सकते हो जिन पहाड़ों से हम आए। 30 किलोमीटर चले आज हम। कितने किलोमीटर चले? 30 किलोमीटर भाई देख लो, सबसे ज्यादा आज 30 किलोमीटर चले हैं। ये है रास्ता सबसे ज्यादा चले और ऐसा है सीन, नीचे है खाई, ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं बादल वाले यही पहाड़ है, यहाँ से हम आए आज। 16 किलोमीटर मिला है हमें ट्रक, मगर भाई साहब झटके देख लो कि साहब ट्रक में नहीं बैठना। अभी मिला हमें ट्रक, पहले मिली पिकअप की लिफ्ट, अब मिली ट्रक की। भाई सारे एडवेंचर एक ही ट्रिप में। अभी हम आपको दिखाएंगे द बदनाम शदोल नाला, शदोल नाला कैसे क्रॉस करते हैं वो ट्रक दिखाएंगे। वो रजतो कहाँ गया वो? व्लॉग बना रहा हूँ, आया मैंने नाला क्रॉस करके आया। ऐसी है ये फिक्स रोड और इसमें चल रहा है इस रफ्तार से ट्रक, ठीक है। और ऐसा है कुछ नज़ारा, इसने मोटा ही गेड़ा दिया हुआ यार। चलो मिल गया ये, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, कुछ भी मिल जाए इससे। भाई सारे एडवेंचर एक ही साथ हो गए, पिकअप के पीछे, ट्रक के पीछे। और ये हैं हमारे लड़के, ये एक चाचू है, इसमें लिफ्ट ली हुई है, ये हमारा सामान ट्रक है खाली, इसलिए फेंट रहा है, ठीक है। ये बैठे हुए सिमट के ऊपर शदोल नाला क्रॉस करने लगे हैं हम, योगा क्रॉस अभी पानी के बीच से, बदनाम शदोल नाला। फोन हम रखेंगे अंदर थोड़ा, और छोटी गाड़ियाँ तो यहाँ आने से डरती हैं, पर देखते हैं ट्रक कितना ही आराम से निकल जाता है। नाला ऐसे बीच से जाती है रोड का इसमें पानी। इतना है पानी भाई इसमें, छोटी गाड़ियां भी बनता है उनका डरना यार। तो ये था शेड्यूल बदनाम नाला। कुर्सी में फंस गए जय हिंद दोस्तों, कुर्सी एक साइड हम पहुंच चुके हैं, एक साइड से टोक्सन, यहां पे बैठे हैं टी स्टॉल पे, मैं एक साइड ही बैठा कर रहे हैं चाय, इस वाली साइड बैठ, इस वाली साइड टूटी, यहां से चाय पिएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और घर पहुंचेंगे और यहां बनेगी चाय। अरे हटो आनी भैया, मैंने परांठा बुक करवाया। जय हिंद गाइस, हमें मिल चुकी है गाड़ी, पहले मिली हमें कौन सी लिफ्ट, पिकअप की लिफ्ट, फिर मिला हमें ट्रक, और अब मिली है टाटा सुमो स्पेशल की। हाँ स्पेशल की है भाई, अब रात हो गई थी, घर तो पहुँचना था। लास्ट वीडियो कैसा रहा फिर? अमेजिंग गार्डन, मजा आया। ओह माय गॉड भाई, आज हमने बड़े तगड़ा डिस्टेंस कवर किया यार, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर भाई, सिर्फ 30 किलोमीटर, वो भी डाउन ट्रैक। तो भाई जो टांगों की हालत हुई है ना आज, जो हमने 4 दिन में, ऐसा लग रहा है हमारे गोडों के नीचे लाते नहीं थे, ऊपर जाने को 3 दिन लगे थे, आने हमने 1 दिन में आए, वापस आते हैं ना। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर। चैनल का नाम क्या है? चैनल का क्या नाम है? अभी नहीं पता, अब जाके डिसाइड होगा। वीडियो पता नहीं कब आएगी, अब देखते हैं, जब भी आएगा, जब भी चैनल का नाम आएगा वो पता चल जाएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अरुण कैसी रही ट्रिप भाई? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, कुछ बोल नहीं सकते हम उसके बारे में, उसके बारे में हम कल बताएंगे, बताएंगे भाई। चलो लास्ट हम घर पे पहुंच के बना सकते हैं, ठीक है। ये है भाई हमारे इस इलाके की गाड़ी, और ये हमारे ड्राइवर भाई साहब, ये है टाटा सुमो। डेकोरेशन देखो भाई, हेलो हाय कर दे। ये हुई ना बात।
चाहे दोस्तों, तो है ये लास्ट वीडियो, हम पहुंच चुके हैं अपने घर। टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं और हम फाइनली अपने घर पहुंच गए। डे 4 एंड ऑफ द वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, ये मोटू हमें लेने आया था। मैं नहीं आया था, ये मोटू हमें लेने आया था।